हमारे साथ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी, आपका ये लोकसभा क्षेत्र भी है, आपको लग रहा है जो चौथा फेज में यहाँ पर है तो बीजेपी के पक्ष में जो माहौल है वो आगे चल रहा है? नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल ही नहीं है, बल्कि कमोबेश हमको उसी प्रकार की लहर दिखाई दे रही है जिस प्रकार की 2017 के विधानसभा चुनाव में थी। लेकिन चौथा फेज है, और अखिलेश ये कह रहे हैं कि पहले दो फेज में सेंचुरी और अगले दो फेज में डबल सेंचुरी, यानी 200 बार। वो कहने दीजिए, ख्याली पुलाव तो कोई भी पका सकता है, उस पर मैं प्रतिबंध लगाना भी नहीं चाहता, प्रतिबंध लगा भी नहीं सकता। लेकिन डबल इंजन सरकार की जो बार बार बात हो रही है, तो कौन ऐसी चीजें जो बड़ा है जो आपको लगता है कि वो सबसे ज्यादा लोगों को क्लिक कर रहा है? स्वाभाविक है, यदि केंद्र में हमारी सरकार है, यहाँ भी हमारी सरकार रहेगी, तो विकास की गति स्वाभाविक रूप से तेज होगी, कहीं पर किसी प्रकार की बाधा, किसी प्रकार की अड़चन नहीं रहेगी, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं। वैसे हमारी केंद्र सरकार ने भी दूसरे राज्यों में जहाँ पर कि दूसरे राजनीतिक पार्टियों की सरकारें रही हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन यह स्वाभाविक है कि जो हमारी केंद्र सरकार की नीतियाँ होंगी उनको सहज रूप से यदि हमारी पार्टी की सरकार होगी तो उसे स्वीकार करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। कभी कभी दूसरे राजनीतिक पार्टियों की सरकारें होती हैं और केंद्र में दूसरे राजनीतिक पार्टी की, तो केंद्र सरकार की नीतियों को लागू करने में वो कभी कभी व्यवधान भी लोग पैदा करते हैं, तो वह स्थिति कम से कम देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में नहीं पैदा होनी चाहिए, और इसके प्रति जन सामान्य में यहाँ पर जागरूकता है, इसलिए लोग डबल इंजन की सरकार ही बनाना चाहेंगे। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पे, लेकिन अब आतंकवाद भी इसमें आ गया। मैंने कानून और व्यवस्था के मोर्चे पर योगी जी ने जो शानदार कामयाबी हासिल की है वो प्रशंसनीय है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। विपक्ष आपको ये बार बार कह रहा है कि बड़े मुद्दे नहीं है, इसलिए आतंकवाद जैसे मसले को उठाया जा रहा है। नहीं 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 नहीं, मानिए देश की सुरक्षा का प्रश्न यदि जन सामान्य में उठाया जाता है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद के सवाल पर तो जाति, पंथ, मजहब, इन सब सारी चीजों से उठकर पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। मुकाबला सिर्फ सपा और वही बसपा भी कहीं दिख रही है अब? नहीं नहीं, यहाँ पर सभी चुनाव लड़ रहे हैं। अपील भी करेंगे वोटरों से, क्योंकि आपका ही ये क्षेत्र है। मैं तो सारे प्रदेश के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूँ कि सुशासन और विकास के नाम पर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड शानदार हो उसके पक्ष में वोट करें। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि देश की जनता सुशासन और विकास के मामले में इस देश की अव्वल पार्टी यदि किसी को मानती है तो भारतीय जनता पार्टी को मानती है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजनाथ सिंह, जिन्होंने कहा कि जो डबल इंजन की सरकार है और जो काम किया है वो, और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मसले हैं वो बीजेपी के पक्ष में है, और एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। कर्नल पंकज गुप्ता के साथ अमित कुमार, टाइम्स और नवभारत, लखनऊ।